हाय गाइस, कैसे हैं आप? रश्मि की किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम काजू मशरूम बनाएंगे। उनके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, एक बार हम उन सभी चीजों को देख लेते हैं। ये मशरूम है, ग्राम्स में नापेंगे तो ये 250 ग्राम है। हमने ये दो टमाटो, एक ऑनियन, चार हरी मिर्च, ये काजू है, ग्राम्स में नापेंगे ये तो 50 ग्राम है। ये अदरक का एक टुकड़ा है। सभी चीजों के लिए मिक्सी जार में पीस लेते हैं। हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब हम एक पैन रखते हैं, इसके लिए गरम होने देते हैं। पैन हमारा गरम हो चुका है। हमने जो काजू लिए थे, कुछ हमने मसाले में पीस दिए हैं और कुछ को हम रोस्ट आउट कर देंगे। इनको हम निकाल लेते हैं। अब हम एक बार मशरूम के लिए भी भून लेते हैं। दो मिनट तक हमने मशरूम को भी रोस्टेड कर लिया। अब इसके लिए भी हम निकाल लेते हैं। हमने दो इलायची, चार लौंगे, काली मिर्चे 5 से 6 और दालचीनी के एक टुकड़ा, जिसको कई टुकड़ों में तोड़ लिया था। जीरा, हमने हरी मिर्च को डाल दिया है, एक चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हमने जो टमाटर, प्याज और कुछ काजू भी इसमें, सभी मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक मसाला ऑयल को न छोड़ दे। मसाला वैसे हमारा भून ही चुका है, 2-3 मिनट और पकाएंगे। तब तक हम 2 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। मसाला हमारा भून के रेडी है, इसने ऑयल को छोड़ दिया है। इनको हमने रोस्टेड किया था, इन्हें भी इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं मसाले में। मसाले के साथ 2 मिनट तक भून लेते हैं। हमने इन्हें 2 मिनट तक भून लिया। अब हमने जो काजू रोस्टेड किए थे उनको भी इसी में ही डाल देते और इन्हें भी मसाले के साथ मिक्स कर देते। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। आपको जैसी भी ग्रेवी, गाढ़ी पतली जैसी भी रखनी हो, आप उस तरीके से अपने हिसाब से पानी को ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच हम देगी मिर्च ले रहे हैं, जिससे कलर बहुत अच्छा हो जाएगा।
और 1 चम्मच हम नमक डाल। अब हम इसको ढक देते हैं, 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। हम देख लेते हैं, काजू मशरूम मसाला बनकर रेडी है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं 1/2 चम्मच। ये धनिया है, इसको भी डाल देते हैं। ये क्रीम है, इसमें 2 चम्मच हम क्रीम को ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं बनकर बिल्कुल रेडी है, काजू मशरूम मसाला बनकर रेडी है। गैस के लिए हम ऑफ कर देते हैं। मशरूम मसाला बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।